आप उधर से दे भाई, पीछे वालों को नहीं आएगा ना, आप उधर ही जाइए ना, जहाँ पे सब लोग बोलते हैं पीछे नहीं जाइए, आप लोग उधर जाइए। ठीक है ना, इनकी वजह से माइक छुप रहा है ना, इनके कैमरा छुप रहा है, भाई साहब आप साफ कीजिए, घंटे ऐसा मत कीजिए यार। आज कई अखबारों के माध्यम, आज कई टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चल रही है, हमें भी बार बार फोन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के बारे में अपना जो फैसला था या रिकमेंडेशन थी वो राष्ट्रपति को भेजी है। अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो सारी सोर्सेस के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है, या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को एक रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो वैध नहीं था। इसलिए ये डिसीजन जो ये मामला है ये सिर्फ अभी तक सीसी ने सुना था, इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनवाई करेंगे। पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी इंक्वायरीज होती हैं, इंस्पेक्शन होती हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है या किसी भी कोर्ट के या कमीशन के आगे कोई भी इस तरीके की प्रोसीडिंग चलती है तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो बिल्कुल बेसिक जो नेचुरल जस्टिस के नियम है उसमें भी ये लिखा होता है कि जिस आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या जिस आदमी के ऊपर आरोप है उनको एक मौका दिया जाएगा अपनी बात, अपने सबूत और अपने गवाह रखने के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने विधायकों को, विधायकों की गवाही नहीं हुई, विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे, विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 1975 के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर ज्योति, जो मोदी जी के अंडर गुजरात सरकार के प्रधान सचिव रहे, उसके बाद उनके मुख्य सचिव रहे, उनका जन्मदिन जो है वो 23 जनवरी 2018 को उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अंदर ही सारा का सारा विवाद और सारे की सारी जो ये कह सकते हैं सीक्रेट जो है वो ये है कि ज्योति जी का जो जन्मदिन है, 1953 में जन्मे ज्योति जी का जन्मदिन
23 जनवरी 2018 को है, 23 जनवरी 2018 को ज्योति जी 65 साल के हो जाएंगे। 65 साल के होने के कारण ना नरेंद्र मोदी जी ना ब्रह्मा जी उनको चीफ इलेक्शन कमीशन रख सकते हैं, तो वो सोमवार को रिटायर होने वाले हैं। इसके अंदर तीन लोगों ने सुनवाई की थी। रावत जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। जैदी जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो गए। एक जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं की। तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति जी हैं जो ये पूरा का पूरा निर्णय देना चाह रहे हैं, जबरदस्ती देना चाह रहे हैं और पूरी की पूरी दिल्ली पे अपना ये निर्णय इसलिए थोपना चाह रहे हैं क्योंकि सोमवार को वो रिटायर हो रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? अभी तक जो सारी की सारी सुनवाई हुई थी वो सिर्फ इस बात पे हुई थी कि अगर हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि ये लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कभी थे ही नहीं, तो ऐसे मामले में क्या उनके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखिए विकल्प तो बहुत सारे हैं और सारे विकल्प खुले हुए हैं, मगर जो सबसे पहला विकल्प है ये है कि जनता से पूछा जाए कि भाई कभी आपने इनके पास गाड़ी देखी हो, आपने इनके पास सरकारी मकान देखा हो, किसी बैंक के अकाउंट के अंदर इनको एक रुपया भी मिला हो, तो आप लाभ के पद की बात करेंगे। कोई बात नहीं, कोई चीट नहीं, आप जबरदस्ती, क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं, आप अपना कर्ज मोदी जी को चुकाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थान को गिरवी रख के एक साजिश कर रहे हैं दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ। ये बहुत ही बहुत दुख की बात है और ये बहुत बड़ा मामला है। पद अपने आप में लाभ का पद होता है, बेशक आप गाड़ी ले या नहीं ले, ऑफिस ले या नहीं ले, आपने वो पद लिया है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाते हैं। देखिए लाभ के पद की आप कहीं पर भी विकिपीडिया पे जानकारी ले लीजिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने फैसले हुए हैं उनका आप देख लीजिए। लाभ के पद के अंदर ये बहुत जरूरी है कि लाभ तो हुआ हो, जो आदमी जिसका पद जो हुआ हो उसको हाई कोर्ट ने कह दिया ये पद कभी था ही नहीं, एब इनिशियो, ये नल एंड वॉइड है। आपको कभी गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, एक रुपए की तनख्वाह नहीं मिली, अगर लाभ ही नहीं हुआ तो लाभ के पद के ऊपर आप चुने हुए लोगों को इस साजिश से हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। कोई नहीं था, हाईकोर्ट ने इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल के बयान में, इनका कहना एक आदमी, अगर एक आदमी हर विधायक के यहाँ 2-2 लाख वोटर होते हैं और करीब 5-5 लाख लोग हर विधानसभा में रहते हो, 21 विधानसभा के लोगों में करीब करीब लगा लीजिए 1 करोड़ लोग होंगे, 1 करोड़ लोगों में से अगर एक आदमी भी आ जाए जो कह दे कि ये गाड़ी विधायक को संसदीय सचिव होने पे मिली थी, या इस बंगले में ये विधायक संसदीय सचिव होने के बाद लेता था, या ये एक अकाउंट स्टेटमेंट थी जिससे 1 रुपया भी इनको मिला है, तो मैं मानता हूँ कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी तक जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं, वो ऐसे ही आ रही हैं जैसे ईडी की सूचना आती है सोर्सेस से, सीबीआई की सूचना आती है सोर्सेस से, अभी ईसी की सूचना आ रही है सोर्सेस से। ये पूरा का पूरा जो चुनी हुई सरकार है मोदी जी की और उनके नीचे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोर्सेज के थ्रू क्यों आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करते हैं? खुल के आए, आमने सामने आए तो हम भी बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी।